गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी लोगों को आपके अपने राजीव शर्मा का बहुत बहुत शुभकामनाओं भरा नमस्कार। ये नया साल 2020 आप सब लोगों के लिए खुशियाँ लेके आए और आपके जो सपने हैं वो सपने जरूर पूरे हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार बिजनेस प्लान के ऊपर एक पूरा एक वीडियो बनना चाहिए जिसमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन हो सके। और आप लोगों को पता है कि नए साल पे एक नया तोहफा आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम हमने रखा है गोल्ड एक्टिवेशन। तो गोल्ड एक्टिवेशन को लेकर के भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो बना करके आज आपको दिया जाए। तो आज हम एक बार पूरे प्लान के ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारा फ्री वाला प्लान भी रहेगा, आईडी एक्टिवेशन वाला भी रहेगा और गोल्ड एक्टिवेशन के बारे में भी इस प्लान के अंदर आपको पूरी इन्फो मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कोशिश करूंगा जल्दी इस वीडियो को खत्म करने का ताकि आप लोगों को शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों 2020 के अंदर हम लोगों ने अपनी कुछ प्लानिंग की है और मैं आपको बता दूं कि RSGO परिवार का जो ये हमारा प्लान है, खूबसूरत प्लान, ये हम ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। पहले के जो 1-2 महीना हमने काम किया वो एक थोड़ा सा मेकिंग पीरियड था, मेन हमारा अब परफॉर्मेंस पीरियड है। तो यहाँ पे बहुत सारी परफॉर्मेंस, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं इस नए साल में 2020 में। तो उसकी शुरुआत आज हम सबसे पहले बिजनेस प्लान से करते हैं। तो हम सीधा चलते हैं प्लान की तरफ। और प्लान का वैसे तो काफ़ी लोगों को इस प्लान के बारे में पता है जो हमारा एड व्यू प्लान है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में हम लेके चलेंगे। RSGO24.com ये हमारी वेबसाइट है। RSG ट्रेड एंड सर्विसेज ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। RSGO24 के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करना है और वो भी फ्री में। फ्री में आप जैसे ही यहाँ पे साइनअप करते हैं आपको ₹50 का साइनअप बोनस मिलता है जो कि आपको शॉप मनी में मिलता है। इस शॉप मनी से आप हमारे यहाँ पे जो मौजूद प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आप कभी भी पहले भी दिन अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं और अपने इस बोनस को जो है वो रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, रेफरल प्लान जो है यहाँ पे, अर्निंग प्लान क्या है। सबसे पहले आपको एक डेली टास्क, यहाँ पे फ्री टास्क आता है। इस फ्री टास्क के अंदर 12 टास्क आते हैं जहाँ पे लगभग आपके 10 मिनट का टाइम लगता है और ₹6 पर डे की अर्निंग आप यहाँ पे सेल्फ की कर सकते हैं, जो कि आपका पैसा जो है ये भी शॉप मनी में मिलता है, जिस पैसे को आप शॉपिंग में रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टीम के ऊपर। अब आप क्या करते हैं, अपनी रेफरल कोड को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे या फ्रेंड सर्कल में, और वहां से जैसे जैसे टीम आपके साथ जुड़ती है तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे इनकम होती है। टोटल 7 लेवल से यहाँ पे आपको इनकम मिलती है जिसकी परसेंटेज यहाँ पे दी गई है स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सारी परसेंटेज को जोड़ा जाए और अगर हम ये मान के चलें कि हर व्यक्ति अपने हर लेवल में मिनिमम 10-10 लोगों को ज्वाइन कराता है तो आप लोग यहाँ पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग जो है आपको पता है कि पर डे की 7,40,136 रुपए की अर्निंग यहाँ पे आप टोटल कर सकते हैं। अगर हम इसका 50% भी लेके चलें तो 3,70,000, और अगर 10% भी एवरेज लेके चलें तब भी ₹74,000 पर डे की अर्निंग आप लोग यहां पे कर सकते हैं। ये पैसा आपको फ्री वाला जो है वो शॉप मनी में मिलता है। इसके साथ आपकी एक आईडी एक्टिवेशन होती है जो कि एक छोटी सी अमाउंट से होती है और 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन है मात्र ₹124 में। ₹124 से आप जैसे ही अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको एक और टास्क आना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं पेड टास्क, आता है एक एक्टिव टास्क के नाम से। एक्टिव टास्क में भी 12 टास्क आते हैं और इसमें भी लगभग 10 मिनट का ही समय लगता है और यहाँ पे भी आपको ₹6 की अर्निंग मिलती है, लेकिन ये जो ₹6 आपको मिलते हैं ये आपको कैश मनी में मिलते हैं, यानी कि इस पैसे को आप या तो रिचार्ज में और या फिर अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये एक एक्टिव अर्निंग है। तो एक्टिव अर्निंग के अंदर भी आपकी टीम वही है जो आपने फ्री में बनाई है। अब वही जो टीम है जैसे जैसे अपनी आईडी को एक्टिवेट करते जाएंगे तो उन लोगों को भी एक्टिव टास्क आना शुरू हो जाएगा और वो लोग भी अपनी एक्टिव टास्क को कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे वो एक्टिव टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको उनसे भी इनकम यहाँ पे आती है 7 लेवल तक की सेम परसेंटेज के साथ में, और सेम अर्निंग आती है। अगर यहाँ पे वही 10 के मल्टीपल में आपकी टीम है तो आप यहाँ पे 7,40,000 रुपया पर डे का अर्न करते हैं और वो भी एक्टिव मनी में, यानी कि कैश मनी में, जिसको आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं और रिचार्ज में भी यूज कर सकते हैं। इसकी भी अगर हम परसेंटेज की बात करें 50% तो 3,70,000 रुपया, और अगर 10% की भी हम बात करें अचीवमेंट की तो भी ₹74,000 पर डे की अर्निंग आप लोग यहाँ पे अर्न कर सकते हैं जो कि आप कैश मनी में अर्न करेंगे। इस
पैसे को आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिवार्ड्स भी हमने रखे हुए हैं, जैसे जैसे आप 10 के मल्टीपल में टीम आपकी बनती है तो एक लेवल अचीव होता है, उसके ऊपर भी कुछ रिवार्ड्स है, सातों लेवल पे कुछ रिवार्ड्स है। मिनिमम फर्स्ट लेवल में आई कार्ड से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के यहाँ पे रिवार्ड्स हैं। जैसे जैसे आपके लेवल अचीव होते जाएंगे वैसे वैसे आपके यहाँ पे रिवार्ड्स भी आपको मिलते चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अर्निंग आती है हमारी एक रीपर्चेज इनकम। रीपर्चेज इनकम एक बहुत ही खूबसूरत इनकम है, इस इनकम को आप अगर अच्छे से समझेंगे तो एक बहुत बड़ी इनकम है। रीपर्चेज का इनकम कैसे होगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी आपके और आपकी टीम को सबको शॉप मनी में पैसा मिल रहा है, और उस शॉप मनी से करेंगे क्या, आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं, आपकी टीम भी प्रोडक्ट खरीदेगी। जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहाँ पे उनको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, और उसी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने रखी गई है जो कि 7 लेवल में है। तो 7 लेवल में वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, ये वो पूरा चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लेवल से आपको 10% की इनकम मिलती है बिजनेस वॉल्यूम का। अगर आपके 10 मेंबर हैं और पूरे महीने में 500 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम का भी अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करते हैं तो उसका 10% 500 रुपये का कमीशन आपका बन जाता है। इसी तरीके से सेकंड लेवल से 5% और 7वें लेवल से 1%। अगर हम इस टोटल इनकम की बात करें और 10 की मल्टीपल में अगर आपकी टीम है और हर व्यक्ति पूरे महीने में सिर्फ 500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान यहाँ पे खरीदता है, और वो भी फ्री में अर्न करके, जेब से पैसा देकर के नहीं, फ्री में भी वो खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन ये कहती है कि आप यहाँ पे 6,16,78,000 रुपए, जी हाँ 6,16,78,000 रुपए पर मंथ के अर्न करते हैं सिर्फ रीपर्चेज इनकम से। और इसकी भी अगर हम 50% की रेशो लेके चलें तो लगभग 3 करोड़ रुपया, और 10% की रेशो लेके चलें तो भी 61 लाख रुपए आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं पर मंथ के। तो एक बहुत बड़ी इनकम है रीपर्चेज इनकम, रीपर्चेज पे जरूर फोकस करिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रिचार्ज इनकम के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कैश मनी के अंदर जो आपका पैसा बन रहा है उस पैसे को आप रिचार्ज में भी ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग ले रहे हैं और रिचार्ज भी कर रहे हैं। तो जब वो रिचार्ज होता है तो उस रिचार्ज के ऊपर भी यहाँ पे कंपनी ने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दी है, वो भी आपको पूरे 7वें लेवल में दी है। जैसा कि पहले लेवल में आप देख रहे हैं 1% और 7वें लेवल पे देख रहे हैं 0.1%। इसकी कैलकुलेशन भी अगर हम 10 के मल्टीपल टीम में करें और एक छोटा सा एवरेज लें कि अगर हर व्यक्ति पूरे महीने में सिर्फ 500 रुपए का रिचार्ज करता है अपने घर का डिश टीवी या अपना मोबाइल फोन, तो आपकी कितनी इनकम हो सकती है, तो टोटल अर्निंग निकल के आती है 61,11,800 रुपए। तो ये भी एक बहुत बड़ी इनकम है, और वो भी सिर्फ एक रिचार्ज करने से, और रिचार्ज आज की तारीख में सब लोगों की जरूरत है। तो ये हमारी अर्निंग थी जो प्लान था। इसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग हमने बोला था कि एक्स्ट्रा सेल्फ अर्निंग भी हम बहुत सारी लेके आएंगे, और इस नए साल में मैं आपको बता दूं बहुत सारी एक्स्ट्रा सेल्फ अर्निंग आने वाली हैं। जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल दिए थे, एफिलिएट एक मार्केटिंग होती है उसको लेकर के हमने कुछ बनाया हुआ है। हमारा एक RSG Shops 24 का एक प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर भी अर्निंग है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का भी हम पैकेज पे परसेंटेज देते हैं, और एक हमारा प्रोजेक्ट है RSG Rooms का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस नए साल के शुभारंभ पे हमने अपना प्रोजेक्ट जो है RSG Rooms इस पे फोकस कर दिया है, और इस RSG Rooms के ऊपर काम शुरू कर दिया, और इसके ऊपर भी बहुत बड़ी इनकम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो ये RSG Rooms है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। RSG Rooms एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो होटल जैसे बुकिंग करते हैं, होटल में रुकते हैं, तो वो लोग यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। और RSG Rooms को लेके बता दूं कि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिनिमम 1000 होटल हम लोग अपने ब्रांड का लेके आएंगे, जिसका नाम है प्राइड 24। होटल प्राइड 24 जो है वो RSG कंपनी का ही एक पार्ट है, तो हम इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, और बाकी के जो होटल्स हैं वो हम यहाँ पे टाई अप्स करने वाले। इनके जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा ओयो रूम्स या गो एविबो या मेक माई ट्रिप, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे ऑनलाइन बुकिंग होती है होटल्स की, तो इस ऐसा ही प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर के आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए। लेकिन यहां पे एक मजे की बात यह है कि वहां पे सिर्फ वो कंपनीज पैसा कमाती हैं, लेकिन हमने यहां पे अपने यूजर को ही इनकम दे दी है, अपने यूजर को अपना पार्टनर हम लेकर के चल रहे हैं कि वो हमारे पार्टनर हैं। तो उसको लेकर के एक हमने प्लान तैयार किया है जिसके अंदर हम बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे देने वाले हैं। इसका नाम हमने रखा है गोल्ड एक्टिवेशन। जी हाँ बिल्कुल, आपका टीम वही है, आपके लोग वही हैं, आपका काम वही है, आप अपना डेली का एड व्यू कर रहे हैं और उस एड व्यू के ऊपर आप अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक नया गोल्ड एक्टिवेशन हम लोग लेके आए हैं। ये गोल्ड एक्टिवेशन कोई कंपल्सरी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, कोई कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। जिन लोगों को भी अच्छा लगे, जो लोग इस पार्ट में काम भाग लेना चाहें
वो लोग ले सकते हैं। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे गोल्ड एक्टिवेशन नहीं करवाना है तो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वो अपना एडव्यू करता रहे। हमने तो 124 को भी कंपलसरी नहीं रखा है। अगर वो कोई फ्री में ही काम करना चाहता है तो फ्री में अर्न करके फ्री में शॉपिंग कर सकता है। तो गोल्ड एक्टिवेशन के बारे में बता दूं कि एक बहुत बड़ी इनकम है और आने वाले टाइम के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इसको मना करेगा और हर व्यक्ति अपनी आईडी को गोल्ड एक्टिवेट जरूर करेगा। तो चलिए देखते हैं गोल्ड एक्टिवेशन का सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले आपको एक आईडी को, अपनी आईडी को जिस तरीके से आपने 124 से एक्टिवेट किया था, सेम उसी तरीके से आपको अब एक बार दोबारा से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होगा गोल्ड के लिए। और इसकी जो अमाउंट है वो है ओनली 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का ये एक्टिवेशन है, गोल्ड एक्टिवेशन है। और इस एक्टिवेशन के अंदर आपको जो मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमारा RSG Rooms 24 की मेंबरशिप। जी हाँ, RSG Rooms 24 की मेंबरशिप, जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं इस नए साल पे, उस प्रोजेक्ट की एक मेंबरशिप है जो आपको दी जा रही है। इस मेंबरशिप में एक्चुअली होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपको वन नाइट फ्री मिलेगा होटल प्राइड 24 इन ऑल ओवर इंडिया। यानी कि हमारे जो 1000 होटल की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन फ्यूचर हर शहर में, हर स्टेट में एक एक होटल हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हम एक जो अपने ब्रांड का होटल लेकर के आ रहे हैं प्राइड 24, तो यहाँ पे आपका जो है एक नाइट का स्टे जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, जो आप ऑनलाइन बुकिंग करके कभी भी किसी भी होटल में जा सकते हैं। फिलहाल अभी हमने नॉर्थ इंडिया के अंदर 3 होटल फाइनल कर दिए हैं, जो एक होटल तो आप लोग जानते ही हैं हमारा हेड ऑफिस में कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऑलरेडी है, 2 होटल बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं नॉर्थ इंडिया में, और अभी धीरे धीरे करके और भी होटल्स जो हैं वो हम ओपन करते चले जाएंगे। और इसके लिए मैं सिंपल सा ये कहना चाहता हूँ कि जिस जिस शहर में पहले अच्छी टीम बननी शुरू हो जाएगी, जिस जिस शहर में टीम बनती चली जाएगी, उस शहर के अंदर हम लोग फटाफट होटल यहाँ पे अपने ब्रांड के नाम से ओपन करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वन नाइट का स्टे फ्री मिल रहा है। उसके बाद एक साल के लिए आप कभी भी हमारे प्राइड 24 होटल में आते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है रूम रेंट के ऊपर और 20% का डिस्काउंट मिलता है फूड बिल के ऊपर। एक साल में चाहे आप एक बार आए, चाहे आप 10 बार आए, चाहे आप 1000 बार आए, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि हम और होटलों के साथ भी टाई अप्स कर रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जितने होटल्स हैं सारे होटल्स तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1000 होटल, हर शहर के अंदर एक होटल हम जरूर खोल सकते हैं, लेकिन बाकी के जो होटल्स हैं उनको हम टाई अप करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उन होटल्स के अंदर भी आप लोगों को एक मिनिमम 10% से लेके 80% तक का डिस्काउंट रहेगा आपकी मेंबरशिप में। तो ये बेनिफिट रहेगा आपको इस होटल का, इस गोल्ड एक्टिवेशन का, मेंबरशिप का। तो ये 1000 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब मेन बात आती है कि अगर ये गोल्ड एक्टिवेशन होती है तो आपको इनकम कैसे आएगी। मेन चीज है इनकम, सब लोग इनकम के लिए काम कर रहे हैं, तो चलते हैं इनकम पे। तो गोल्ड इनकम को भी हमने क्या किया है, 7 लेवल में जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम बनी हुई है, 7 लेवल में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गोल्ड एक्टिवेशन करेगा तो उसकी इनकम आपको 7 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट यहां पे की गई है। और बहुत ही मजेदार इनकम है ये, अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट लेवल पे आपको 224 रुपए, 224 रुपए का आपको एक इंसेंटिव मिलता है पर आईडी। अगर आपके फर्स्ट लेवल में 10 आईडी हैं और 10 के 10 आईडी अगर एक्टिव हो जाते हैं गोल्ड एक्टिवेशन के साथ, तो आपका कमीशन बनता है 2240 रुपए। सेकेंड लेवल में आपको 124 रुपए पर आईडी मिलता है। अगर वहां पे 100 लोग हैं, 10 के मल्टीपल में हम लेके चल रहे हैं टीम को, तो यहां पे 12400 रुपए की इनकम आपकी होती है। तीसरे लेवल से आपको 54 रुपए पर आईडी मिलेगा, 1000 आईडी यहां पे होते हैं तो 54000 रुपए की इनकम है। चौथे लेवल पे 44 रुपए पर आईडी मिलेगा, यहां पे 10000 की टीम होती है तो 440000 रुपए का कमीशन आपका बनता है। पांचवे लेवल पे 34 रुपीज मिलते हैं, 1 लाख आईडी होता है तो लगभग 34 लाख रुपए की अर्निंग आपकी यहां पे हो गई। और छठे लेवल की अगर हम बात करें तो 24 रुपए मिलता है और 10 लाख लोग यहां पे जुड़ते हैं तो आपका टोटल पैसा बनता है 2,40,00,000 रुपया। और सातवें लेवल में मजे की बात यहां पे ये है कि सातवें लेवल पे कंपनी ने फिर आपको 124 रुपए पर आईडी का इंसेंटिव दिया है, जो कि बहुत बड़ी इनकम यहां पे होने वाली है, क्योंकि सातवें लेवल में सबसे ज्यादा जो टीम होती है वो सातवें लेवल पे होती है और सातवें लेवल पे टीम आपकी होती है 1 करोड़ की, और यहां पे 124 रुपए के हिसाब से बन जाते हैं 124 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल, सातवें लेवल से 124 करोड़ रुपए की अर्निंग होती है। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 126 करोड़ 89 लाख
8,640 रुपए की अर्निंग आपको इन 7 लेवल से आ सकती है। जी हाँ, 126 करोड़ रुपए की अर्निंग आपको सिर्फ गोल्ड एक्टिवेशन से यहाँ पे मिल सकती है। इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी टीम आपकी बनी हुई है और बन रही है, और ज़्यादा टीम बनेगी, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे गोल्ड एक्टिवेशन होना शुरू होगा तो आपको पर आईडी के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। और इसकी हम थोड़ी सी और आगे की जानकारी लेते हैं और प्लान में क्या है। तो गोल्ड एक्टिवेशन के ऊपर हमने कुछ रिवार्ड्स भी यहाँ पे दिए हैं। अगर कोई लीडर अच्छे से काम करता है और अपनी टीम को सपोर्ट करता है, टीम को गाइड करता है और अपने लेवल अचीव करता है, तो उनको यहाँ पे कुछ रिवार्ड्स भी हमने रखा है। जैसे कि थर्ड लेवल अगर आप अचीव करते हैं गोल्ड एक्टिवेशन के अंदर, यानी कि आपका पहले लेवल में 10 आईडी, सेकंड में 100 आईडी और थर्ड में 1000 आईडी अगर एक्टिवेट होते हैं, तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपये की एक बाइक जो है वो गिफ्ट मिलती है, रिवार्ड मिलता है। फोर्थ लेवल अचीव होता है तो बुलेट गाड़ी मिलती है 1.25 लाख रुपये की। पाँचवें लेवल पे आपको एस्प्रेसो कार है जिसकी कीमत है 4 लाख रुपये, और छठे लेवल पे ब्रीजा कार है जिसका कीमत है 10 लाख रुपए, और सातवां लेवल अगर अचीव होता है तो एक 50 लाख रुपए का फ्लैट भी आपको यहाँ पे रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है। तो ये रिवार्ड्स भी यहाँ पे रखे गए हैं गोल्ड एक्टिवेशन के अंदर, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद हमारा एक इस पे फ्रेंचाइजी प्लान भी है। इस फ्रेंचाइजी प्लान को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पुराने साथी हैं हमारे वो इस प्लान को अच्छे से जानते हैं। फ्रेंचाइजी प्लान जो मॉडल है हमारा, फ्रेंचाइजी मॉडल, वो वही पुराने वाला ही मॉडल है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने 3 तरीके की फ्रेंचाइजी रखी है। सबसे पहले स्टेट फ्रेंचाइजी, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और थर्ड है सिटी फ्रेंचाइजी। 3 तरीके की फ्रेंचाइजी है। स्टेट फ्रेंचाइजी एक स्टेट में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगी, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी, और स्टेट फ्रेंचाइजी लेने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए का डिपॉजिट अमाउंट है जो कि सिक्योरिटी है, 100% रिफंडेबल है। इन फ्यूचर कभी भी आप अपनी फ्रेंचाइजी कैंसिल करके अपना 1 लाख रुपए वापस ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 50,000 रुपए का डिपॉजिट अमाउंट देना होगा जो कि 100% रिफंडेबल है, इसमें भी कोई कटिंग नहीं होगी। और सिटी फ्रेंचाइजी के लिए आपका 1 रुपए का भी कोई डिपॉजिट अमाउंट कंपनी यहां पे नहीं लेती है, आप मात्र पिन खरीद के अपनी सिटी फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। इसका बेनिफिट यह है कि अगर स्टेट फ्रेंचाइजी वाला अगर पिन सेल करता है, 1,000 रुपए वाली जो पिन है वो अगर पिन सेल करता है, तो उसको 100 रुपीज पर पिन का कमीशन मिलता है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को 80 रुपए पर पिन का कमीशन मिलता है और सिटी फ्रेंचाइजी को 60 रुपए पर पिन का कमीशन मिलता है। और यहां पे कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने एक कमिटमेंट किया है कि जो स्टेट फ्रेंचाइजी होल्डर है उसको पूरे महीने में मिनिमम 4,000 रुपए से नीचे का पेआउट कभी नहीं आएगा। जी हाँ, 4,000 रुपए से नीचे का पेआउट कभी नहीं आएगा, चाहे उनका पिन कमीशन जो है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उनका अगर पिन कमीशन 2,000 रुपए बना है महीने का, तो कंपनी उसमें 2,000 रुपए का अपनी तरफ से एक बोनस के तौर पर उनको ऐड करके दिया जाएगा 4,000 रुपया। अगर 4,000 से ऊपर बना है तो फिर वो ऊपर वाली अमाउंट ही मिलेगी। सेम उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में भी मिनिमम जो पेआउट है वो 2,000 रुपए रखा गया है। 2,000 से नीचे अगर कमीशन बनता है तो कंपनी बाकी का अमाउंट उसमें एज अ बोनस मिला करके आपको देगी। इसके बाद जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का, वो 100% रिफंडेबल है। जब भी आप फ्रेंचाइजी को कैंसिल करेंगे तो उसके कुछ दिन के बाद प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होने के बाद आपका जो पैसा है वो 100% रिफंडेबल है। जो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे भी एक ट्री बनता है स्टेट लेवल पे, कि स्टेट फ्रेंचाइजी जो है वो एक ही होगी और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी जो है वो स्टेट के नीचे आएंगी, और जितनी भी सिटी फ्रेंचाइजीज हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के नीचे आएंगी। तो इसका कमीशन जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए आपने अगर उत्तर प्रदेश की स्टेट फ्रेंचाइजी ली हुई है और वहाँ पे एक मान लेते हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के नीचे बहुत सारे लोगों ने सिटी फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो सिटी फ्रेंचाइजी वाले जब भी पिन सेल करेंगे तो उनको 60 रुपये पर पिन का कमीशन मिलेगा, लेकिन ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फ्रेंचाइजी हैं उनको भी 20-20 रुपये का जो डिफरेंस अमाउंट है वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी खासी यहाँ पे इनकम फ्रेंचाइजी के तौर पे भी रखी गई है। गोल्ड प्लान के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक कंडीशन यहाँ पे रखी गई है गोल्ड टर्म्स के अंदर, कि आपको जैसे ही आपकी आईडी गोल्ड एक्टिवेशन हो जाती है, उसके बाद फोर्थ लेवल से अगर कोई आईडी एक्टिवेट होता है तो आपको एक चेक देखना पड़ेगा कि आपके फर्स्ट लेवल में क्या 3 डायरेक्ट मेंबर्स हैं जो एक्टिवेट हैं। अगर 3 डायरेक्ट आपके नहीं हैं फर्स्ट लेवल में और आपके चौथे लेवल से आईडी अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको इनकम नहीं मिलेगी। इनकम जरूर मिलेगी, लेकिन वो इनकम आपकी कंपनी में होल्ड रखी जाएगी, तब तक होल्ड रखी जाएगी जब तक कि आपके फर्स्ट लेवल में मिनिमम 3 डायरेक्ट कंप्लीट ना हो जाएं।
सेम उसी तरीके से पांचवे लेवल की भी इनकम होल्ड रहेगी तब तक अगर आपके फर्स्ट लेवल में 5 आईडी डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होते हैं गोल्ड में। सेम ऐसे ही छठे लेवल में 7 डायरेक्ट जरूरी चाहिए और सातवें लेवल की इनकम जो है वो लेने के लिए आपके पूरे 10 डायरेक्ट मेंबर्स एक्टिवेट होने चाहिए फर्स्ट लेवल में। ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा आपको नहीं मिलेगा। पैसा आपका है, वो पैसा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो तब तक होल्ड रहेगा जब तक कि आपकी ये कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो जाती। तो इसका हम आईडी में आप चेक करेंगे अपनी आईडी में, तो वहाँ पे एक एक्टिवेशन समरी के नाम से हमने ऑप्शन दिया है, वहाँ पे एक गोल्ड होल्ड मनी है। तो गोल्ड होल्ड मनी के अंदर आपका ये पैसा सारा चला जाएगा और जिस दिन भी आपकी ये कंडीशन पूरी होगी उस दिन आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, फिर आप उस पैसे को अपने बैंक में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है थोड़ा सा और हम डिटेल में चलते हैं, कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन डिडक्शन वगैरह के बारे में आपको शायद पता है। शॉप मनी के अंदर 10% एडमिन चार्ज करता है, रिचार्ज वॉलेट के अंदर 5% टीडीएस और 10% एडमिन चार्ज है, कैश मनी के अंदर 5% टीडीएस, 10% एडमिन चार्ज और 5% करके आपका आरएसजी शॉप वॉलेट में जाता है जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी हम इस महीने के एंड तक जो है वो शुरू करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम गोल्ड एक्टिवेशन की बात करें, जो गोल्ड प्लान है, इस गोल्ड प्लान के अंदर जो डिडक्शन होगा वो आपका 10% एडमिन चार्ज और 5% टीडीएस होगा, यानी कि 15% का डिडक्शन होगा। यूज ऑफ वॉलेट की बात करें तो शॉप मनी में जो पैसा आता है वो आप सिर्फ शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, कैश मनी का पैसा आप रिचार्ज में या फिर आईएमपीएस वॉलेट में यूज कर सकते हैं, रिचार्ज वॉलेट से आप रिचार्ज कर सकते हैं, आईएमपीएस वॉलेट से आप अपने या अपने किसी और के चाहने वाले के बैंक में भी अगर ट्रांसफर करना चाहें तो आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और गोल्ड एक्टिवेशन की अगर हम बात करें तो गोल्ड एक्टिवेशन का जो आपका इनकम बनेगी उस इनकम से आप चाहें तो पिन भी बना सकते हैं। जी हाँ, ये फैसिलिटी हमने गोल्ड एक्टिवेशन प्लान के अंदर रखी है कि अगर आपका 1000 से ऊपर का पेआउट अगर आपका बना है और आप उसकी पिन बनाना चाहते हैं तो आप उसकी पिन भी बना के मार्केट में सेल करके अपना कैश कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका कैश विड्रॉल लगा सकते हैं, वो आपको कैश विड्रॉल में ही मिलेगा। विड्रॉल की लिमिट की अगर हम बात करें तो शॉप मनी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं शॉपिंग में। कैश मनी के अंदर हमने रखा हुआ है फर्स्ट विड्रॉल जो है वो 224 रुपए का है जो कि ऑटोमेटिक एक विड्रॉल लगता है और रिचार्ज वॉलेट में आपका चला जाता है। सेकंड विड्रॉल जो है वो हमने दो तरीके से रखा है, अगर 500 रुपए है तो आप रिचार्ज में ले सकते हैं और अगर 1000 या 1000 से ऊपर है तो आप उसको कैश मनी में यानी कि आईएमपीएस सर्विस में ले सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। गोल्ड इनकम की लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मिनिमम अमाउंट रखी गई है ओनली 500 रुपीज। गोल्ड प्लान से जो आपकी इनकम बनेगी ये आप मिनिमम 500 रुपए का भी विड्रॉल अपने आईएमपीएस वॉलेट में यानी कि बैंक में ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है क्लोजिंग और विड्रॉल की तारीख की। शॉप मनी जो है वो एनी टाइम है, कैश मनी का जो है वो हर महीने की क्लोजिंग होती है जैसा कि आपको पता है, और अगले महीने की 15 से 20 तारीख के बीच में आप लोग विड्रॉल लगाते हैं और 30 तारीख तक आपका पे आउट आ जाता है। रिचार्ज वॉलेट जो है वो फर्स्ट ऑटो विड्रॉल लगता है एनी टाइम, वो कभी भी लग सकता है जब भी आपका 224 रुपए बनता है, और बाकी का फिर नेक्स्ट विड्रॉल जो है वो वही सेम 15 से 20 तारीख की क्लोजिंग में मिलता है। अगर हम गोल्ड इनकम की बात करें तो यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो एवरी फ्राइडे को होगा। जी हाँ, विड्रॉल जो गोल्ड इनकम का यानी कि गोल्ड एक्टिवेशन से जो आप लोगों की इनकम बनेगी इसके लिए आपको पूरा महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये एवरी फ्राइडे को रात को 12 बजे ऑटोमेटिक इसकी क्लोजिंग होगी, ऑटोमेटिक इसका विड्रॉल लगेगा, आपको विड्रॉल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो पे आउट है वो एवरी मंडे को आपके आईएमपीएस वॉलेट में दे दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है ये कि आपको महीने में 4 बार पे आउट मिलेगा गोल्ड इनकम का। तो गोल्ड इनकम से जो भी पैसा आपका बनेगा मिनिमम 500 रुपये है और एवरी फ्राइडे को रात को 12 बजे क्लोजिंग हो जाएगी और मंडे को जो है वो इसका पे आउट आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये प्लान था हमारा गोल्ड एक्टिवेशन के अंदर। इसमें मैं बस एक चीज थोड़ी सी जो पीपीटी में नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे क्योंकि ये प्लान हमने कल 1 जनवरी 2020 को शुरू किया है, तो कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं है और मेरे नीचे से कोई आईडी एक्टिवेट होती है तो क्या मुझे उसका कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि सर इसके लिए हमने क्या रखा है, एवरी फ्राइडे की क्लोजिंग रखी है। तो एवरी फ्राइडे की क्लोजिंग तक अगर आपका आईडी एक्टिवेट नहीं है और नीचे से अगर आईडी एक्टिवेट हो रहा है तो सर आपको वो इनकम नहीं दी जाएगी। बस यही एक छोटी सी कंडीशन है और कुछ नहीं है। तो अपनी आईडी को एक्टिवेट जरूर करवाएं अगर आप नीचे से इनकम चाहते हैं तो, और अगर आप नीचे से इनकम नहीं चाहते हैं गोल्ड एक्टिवेशन की या आप गोल्ड एक्टिवेशन के प्लान में नहीं आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन कोई कंपलसरी दबाव नहीं है कि आप लोगों को आईडी गोल्ड में एक्टिवेट करवानी है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आज मंडे है और मंडे को आपने देखा कि आपकी डाउनलाइन के अंदर कुछ 5-7 आईडी 10 आईडी एक्टिवेट हो गई हैं, तो आप फ्राइडे से पहले
यानी कि क्लोजिंग होने से पहले आप अपनी आईडी को एक्टिवेट अगर करवा लेते हैं तो वो नीचे से जो पेआउट आपका बनना था लेवल के हिसाब से वो पेआउट आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको हम अपने YouTube चैनल पे भी अभी डाल रहे हैं, तो उसको शेयर करें, अपनी पूरी टीम को शेयर करें ताकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और इस गोल्ड एक्टिवेशन के अंदर, इस नए साल के अंदर 2020 में अपने सपनों को जरूर पूरा करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज़।